नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द गार्डन वैली पर। दोस्तों, लोटस के ये ट्यूबर्स जो मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे और इन्हें अब लगभग एक सप्ताह हो गया है वाटर में डिप किए हुए, और साथ ही साथ मैंने अपने कुछ घर के भी अपने लोटस के ट्यूबर्स जिनको मैंने बकेट से रिपोर्ट किया है, आप देखिए इन्हें। अब मैं इन सभी को एक साथ रिपोर्ट करूँगा, और रिपोर्ट करने के लिए मुझे क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में मैं अपने चैनल पर इस तरीके से आप सब लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी से भरी हुई गार्डन से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। अब बात करते हैं लोटस के इन ट्यूबर्स को प्लांट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह की आपको क्या तैयारियां करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टब्स रखे दिख रहे हैं प्लास्टिक के, और मेरे पास कुछ पुरानी बकेट्स भी हैं, मैं इनमें भी अपने लोटस के ट्यूबर्स को प्लांट करूँगा। और आप लगभग 16 से 20 इंच की गहराई के आप जो है ऐसे टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये इसकी डेप्थ है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से पानी इसमें जो है लगभग 20 से 25 लीटर तक वाटर इसमें कैपेसिटी है इसकी होल्ड करने की। तो मैंने ये चार नए टब रखे हैं, और उसके लिए आपको चाहिए अगर प्लांट को लगाने के लिए ये खास तरह की पीली और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, और इन्हीं में ही हम अपने लोटस के ट्यूबर्स को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को पूरा, और प्रोसेस के साथ बताते चलता हूँ आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको कैसे चीज़ें लगानी हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे ये अच्छी खासी सड़ी गली हुई गोबर की खाद, काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास काउडंग कंपोस्ट है, ये लगभग 2 से 3 सालों तक सड़ी हुई पुरानी गली खाद है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम सबसे पहले पॉट में इनकी लेयरिंग करते हैं। देखिए मैं ये मेरा पॉट रेडी है, और मैं इसमें पहले इस तरह से ये कंपोस्ट जो है मेरा इसकी लेयरिंग कर दे रहा हूँ। तो ये आपको लगभग दोस्तों लगभग 1 से 1.5 इंच तक की आपको इसके बॉटम एरिया में रख देना है, इसकी आपको बेडिंग करना है। इस तरह से हम अपने चारों जो है टब को तैयार कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने चारों टब्स को बिल्कुल इस कंपोस्ट के साथ जो है इसकी एक बेडिंग कर ली है। तो अब बारी है इसमें हम अपनी ये पीली मिट्टी जो है चिकनी, इसको ऐड करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आपको ये पीली मिट्टी सिर्फ ऊपर से इसकी ना लेयरिंग करनी है इस तरीके से, बिल्कुल आपको मिक्स नहीं करना है। इस बात का ध्यान रहे कि आपको मिक्स नहीं करना है खाद के साथ, आपको बस इसकी एक ऐसे बेडिंग तैयार करनी है इस तरीके से। और मैं भी आपको बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों मैंने किया है कि इसको निचली लेयर में रखा है और ये आपको ऐसी बेडिंग बनानी है। तो दोस्तों जब मैं लोटस के ट्यूबर्स को इसमें प्लांट करूंगा ना, तो लोटस के ट्यूबर्स क्या है, बिल्कुल इसकी सतह से लग करके चलते हैं, इसके रनर्स जब बढ़ते हैं तो बिल्कुल लग के चलते हैं। ऊपर आपकी सॉइल हो जाती है, और नीचे जो मैंने रखा है इसमें खाद, उन खाद का इस्तेमाल वो डिकम्पोस्ट रहेगा धीरे धीरे सॉइल में, और वो उसको जो है एनर्जी वहाँ से मिलती रहेगी, वो अपना फूड वहाँ से लेता रहेगा। इस तरीके से आपका लोटस आराम से उसमें ग्रोथ करेगा, रॉटिंग की भी समस्या इसमें नहीं आएगी। अभी आपको क्या करना है, इसमें लगभग 1/3 आपको अपनी मिट्टी से इसको बिल्कुल ऐसे कवर अप कर लें। मैं अपने सभी पॉट ऐसे तैयार कर लेता हूँ, बाकी आगे का स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मेरे लगभग चारों टब रेडी हो चुके हैं, देखिए मैंने इनमें पूरी मिट्टी जो है इसमें फिल कर ली है, और ये बिल्कुल बेडिंग करी है मैंने, मिक्स नहीं करी है पहले बता रहा हूँ। अब इसकी बारी है इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। जो वाटर ऐड करना है वो कैसे करना है दोस्तों, आप किसी फवारे के मदद से आप इस मिट्टी को बस ऐसा गीला कर दें, और इस
आपको लगभग अपने सभी पॉट में इस तरीके से वाटर को बहुत सारा फिल नहीं करना है दोस्तों, बस इसको ऊपर से इस तरीके से इतना गीला करके छोड़ देना है, और यह आपको ऐसा करके लगभग रख देना है 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के लिए ये ऐसा करना क्यों है, देखिए इसके दो फायदे हैं। पहले तो जो हमने इसके बॉटम लेयर में गोबर की जो खाद रखी है, तो उसकी जितनी हीट होगी ना, गर्मी होगी, वो बिल्कुल 7 दिनों तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे कि हमारे प्लांट्स ख़राब होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो पीली मिट्टी है, तो ये भी 7 दिनों के अंदर पूरी सेटल डाउन हो जाएगी, पूरा ये एक लेयर बन जाएगी, बैठ जाएगी अच्छी तरीके से। जितने भी इसमें इसके ठोस अभी जो ऐसे दिख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स, सॉलिड पार्ट, वो बिल्कुल इसमें प्रॉपर मेल्ट हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको 7 दिनों के लिए छोड़ देंगे, ये इसी तरीके से रहेगा ना, हम इस बीच में इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं 7 दिनों के बाद, और तब हम अपने लेटर्स के प्लांट्स उसमें से ट्यूबर्स को रिपोर्ट कर देंगे। तो लगभग 7 दिन हो चुके हैं दोस्तों इस टब में हम वाटर को भरे हुए, और देखिए इसमें कि तली पर आप देखिए बिल्कुल से पूरा इसकी जो मैंने मिट्टियाँ रखी थी वो पूरी तरह से इसमें बैठ चुकी हैं, सेटल डाउन हो चुकी हैं, और पीली मिट्टी थी जो कि अब ब्लैक एक मड़ी कीचड़ की तरीके से पूरी तब्दील हो चुकी है। सो ये अब बिल्कुल सही समय है कि मैं इनमें अपने लोटस के ट्यूबर्स को ट्रांसप्लांट कर दूँ। और ये रहे वो सभी लोटस के ट्यूबर्स जिन्हें मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। दोस्तों ऑनलाइन परचेज़ मैंने किन से किया था ये लोटस के ट्यूबर्स, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पोस्ट की हुई है, वीडियो का लिंक आई बटन पर आ चुका है, आप सब जा कर के वहाँ से वीडियो को देख भी सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों इन लोटस के ट्यूबर्स को, जो देखिए बिल्कुल हेल्थी हैं, ये आप देखें, ये येलो पियोनी इसका नाम है, और कितना है ज़्यादा हेल्थी, और देखिए बिल्कुल आप देखिए इसकी, तो ये अब बिल्कुल रेडी है ट्रांसप्लांट करने के लिए। सो चलिए इनको फटाफट हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। सो ट्रांसप्लांट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे अपना एक ट्यूबर, और ये अल्टीमेट 1000 पेटल का UTP जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये उसका पेटल ट्यूबर है, और बहुत ही अच्छा फ्लावर इसमें प्रोड्यूस होता है दोस्तों, पिंक कलर में और 1000 पेटल्स के लगभग जो है इनमें होते हैं। सो बहुत ही आसान तरीका है इसको ट्रांसप्लांट करने का। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं ट्यूबर को ऐसे लीजिए, और बेहतर है कि आप अगर अपनी इस वाटर से भरे टब में थोड़ी सी अगर आप यहाँ पर ऐसी स्पेस बना ले। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि ये ट्यूबर का शेप है मैं उसी शेप में ऐसा एक यहाँ पर एक हल्का सा डेप्थ में लेकर के बना रहा हूँ, और हमेशा ट्यूबर को ना बिल्कुल किनारे साइड पे, आप साइड पे टब के बिल्कुल टब से 2 इंच की जगह छोड़ करके हमेशा वहाँ पे ट्रांसप्लांट करिएगा। क्यों? क्योंकि ट्यूबर हमेशा दोस्तों बिल्कुल ऐसे सर्किल में बढ़ता है, और ऐसे 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 करते हुए पूरा इसको कवर अप कर लेगा। तो अगर आप पहले से इसे सेंटर में लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं सही से लगेगा दोस्तों। सो अब देखिए बिल्कुल आप इसको राइट रखिए राइट प्लेस पर, और इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए देखो ये, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं रखना है दोस्तों, आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं, ट्यूबर के ख़राब होने के चांस रहते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में रख दिया। सो आप इस तरीके से रख दीजिए इसको, और किसी थोड़ी बहुत इसी की ही मिट्टी की सहायता से इसको ऐसे कवर अप कर दीजिए। सो इस तरीके से हम अपने जितने भी हैं, ये देखिए कितना प्यारा सा ये देखिए लीफ निकल रहा है, तो हम अपने सभी टब को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा येलो पियोनी का है, बहुत ही खूबसूरत इसमें भी फ्लावर होते हैं, और इसके लिए मैं सेम वही चीज़ें करूँगा कि इसके साइड में ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करके ऐसे बना लूँगा जगह। बहुत ही केयरफुली करना होता थोड़ा सा, क्योंकि इसके कहीं से भी जो इसके कोई रूट्स जो आ रही हो बिल्कुल भी डैमेज ना हो जाए। तो ये देखिए ये भी प्लांट हो चुका है, अब मैं अपने सभी टब को इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। सो लगभग मेरे सभी लोटस के ट्यूबर्स पूरी तरीके से देखिए टब में सबको मैंने लगा दिया है, और सब पे ऐसे नामों की उनकी मार्किंग भी हो चुकी है, जिससे कि जब ये कलर्स मुझे पहचान में भी रहें और कौन किस वैरायटीज़ के हैं। और अब बारी है दोस्तों इनमें बहुत ही हल्के हाथ से वाटर ऐड करने की, तो अब आप इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे हम, इसको 1/3 से ऊपर थोड़ा
रखेंगे बिल्कुल, और अपने सभी पॉट को इस तरह से फिल कर लीजिए। और अब दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही खास चीज, ये देखिए दोस्तों रंग बिरंगी ये सभी मौली फिशेस हैं देखिए, और ये पूरी तरह से बिल्कुल सेफ रहती हैं और सरवाइव कर लेती हैं आपके लोटस पॉन्ड में। सो अब आप जब घर पे इस तरह के पॉट बना के रखेंगे जिसमें वाटर भी होल्ड होगा, सो पूरे चांसेस हैं कि उसमें मॉस्किटो अपने लार्वा देंगे और उनसे आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर और कई तरह की डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी खतरनाक पैदा हो जाएंगी। तो उससे बचाव के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, बहुत ही कम सस्ते दामों में मिलने वाली ये मौली फिश या फिर गप्पी फिश आप बाज़ार से खरीद करके ले आएँ और उन्हें अपने इस पॉट में ऐड कर दीजिए। सो अभी मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है इसलिए मैं इन्हें अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने इन्हें सेपरेट फ्रेश वाटर में रखा है। आप इन्हें रख दीजिएगा, जैसे ही वाटर आपका बैठ जाए क्लीन हो जाए तो फिर इनको आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। दोस्तों इनमें खर्चा कुछ नहीं है, ये इस पॉट के जब चारों ओर एल्गीज लग जाती हैं तो उन एल्गीज को ये खा करके अपना पेट भर लेती हैं। शुरुआत के दौर पे आपको फिश फूड आपको लेकर के आना होगा, इन्हें देना होगा, और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप चार मछलियाँ डालेंगे आपको बदले में 12 से 14 मछलियाँ मिल जाएंगी अगले 1 से 2 महीनों के अंदर। जी हाँ ये बेबी देती हैं, बेबी फिश मेरे पास बहुत सारी हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए दोस्तों ये मेरे पास एक लोटस का पॉन्ड और है, इसमें ये फिश पॉन्ड बना दिया है मैंने, इसमें बहुत सारे बेबी फिश है, ये देखिए चारों ओर बेबी फिश दिख रही हैं आपको, कुछ बड़े भी हैं एडल्ट भी हैं, और जो आप इस समय इस पे तैरता देख रहे हैं कुछ लोग इसे जलपरी बोलते हैं, देखिए इसे जलपरी कहते हैं, पर ये जलपरी नहीं दोस्तों इसे असल में वाटर लेटस कहते हैं। इसके नीचे इस तरह से देखिए रूट्स की ये बहुत ही एक घनी एक जाल फैल जाती है और अपने साइड से ये नए बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं एक वाटर में शेड का रखने का, हरे भरे रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं आपको देखने में। तो देखिए आप इस तरह से आप दो चीज़ें अपने वाटर में ऐड कर लीजिए तो बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी लोटस के बारे में ये वीडियो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कुछ क्वेरी वगैरह हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।